आज हिंदी में मैं भाषण दूंगी। परमात्मा को खोजने वाले सभी भाविक सात्विक साधकों को हमारा प्रणाम। आज दो तरह के गाने आपने सुने हैं। पहले गाने में एक भक्त विरह में परमात्मा को बुलाता है, इसे अपरा भक्ति कहते हैं। और जब परमात्मा को पा लेता है, जैसे कबीर ने पाया था, तो उसे पराभक्ति कहते हैं। दोनों में ही भक्ति है, जिसे कृष्ण ने अनन्य भक्ति कही हुई है, जहां दूसरा कोई नहीं होता, जहां साक्षात परमेश्वर अपने सामने होते हैं। उस वक्त जो हम लोगों का भक्ति का स्वरूप होता है, उसे उन्होंने पराभक्ति अनन्य। किंतु जब हम परमात्मा को याद करते हैं, उनको स्मरण करते हैं, तब उसकी आदत सी हो जाती है। जब इंसान को इस चीज की आदत सी हो जाती है, तो उस आदत से छूटने में उसे बड़ा समय लगता है। वो ये मानने को तैयार ही नहीं होता कि उसकी ये जो साधना है, ये खत्म होने की बेला है। और इसी वजह से भक्तों ने भी दृष्टों को, संतों को, मुनियों को पहचाना है। आप जानते हैं, इतिहास में हमेशा संतों को इतनी परेशानियां उठानी पड़ी। ये नहीं कि सबने उनको सताया, लेकिन जिन्होंने सताया उनको किसी ने रोका नहीं और उनको समझाया नहीं कि ये संत, ये साधु। अब हमारे समाज में, खास करके शहरों में, विविध विचारों के लोग रहते हैं। कुछ तो जो कि परमात्मा में विश्वास करते हैं, इस तरह विश्वास करते हैं जैसे कि किसी मंदिर में गए नमस्कार करके। कुछ लोग हैं जो कहते हैं नहीं, परमात्मा की साधना करनी चाहिए और धर्म से रहना चाहिए, उनके मंगल गीत गाने चाहिए, हमेशा उनको भजना चाहिए, जिससे वो हमेशा याद रहे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं परमात्मा वगैरह सब ढकोसला है, ये झूठी चीज है, परमात्मा नाम की कोई चीज ही नहीं। सब तरह के विचार करने का अधिकार परमात्मा ने परे मनुष्य को दे दिया। ये मनुष्य को दी हुई देन परमात्मा की ही है कि वो स्वतंत्र है, जो चाहे वो सोच सकता है इस बुद्धि से। लेकिन हम लोगों को तीनों भी दशा में यही सोचना चाहिए कि आज तक हमने जो कुछ भी किया, चाहे परमात्मा में विश्वास किया, उनको भजा, या उनके ऊपर लेक्चर दिए, या उन पर किताबें पढ़ी, जो भी मेहनत करी, या हमने उन पर विश्वास नहीं किया, उनको कहा कि वो है नहीं, उनसे हमने मुठभेड़ की और कहा कि देखते हैं परमात्मा कहाँ है, इन सभी दशाओं में हमें ये सोचना चाहिए कि इसने हमारा क्या भला किया, हमें क्या लाभ, हमारे अंदर कौन सी ऐसी कोई नई प्रकृति आ गई जिसके कारण हमने जो भी किया सो ठीक। हमारे बाप दादे भी यही करते आए और उनके बाप दादा भी यही करते आए और हजारों वर्षों से ये चीज चलती है। सहयोग में हम लोग ईड़ा और पिंडा दो नाड़ी पर ध्यान दे रहे थे। इसमें से जो ईड़ा नाड़ी है, ये भक्ति प्रगट है। ईड़ा नाड़ी पर लोग भक्ति में लीन हो जाते हैं, अपने भावना में बह जाते हैं और परमात्मा में लीन होकर के आनंद से उनका गान गाते हैं। हमारे महाराष्ट्र में, जो कि मैं सोचती हूँ हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा देश है, क्योंकि यहाँ पर पारंपरिक लोग धार्मिक हैं और यहाँ का आराध्य देवत श्री कृष्ण विट्ठल है। लोग एक एक महीना हाथ में झांझर लिए हुए गाते हुए जाते हैं, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, मुंह में तंबाकू रखे। अब तंबाकू जो है, ये कृष्ण के विरोध है, बिल्कुल विरोध में पड़े,
क्योंकि विशुद्धि चक्र में श्री कृष्ण का स्थान, और उससे विठल विठल कह रहे हैं, श्री कृष्ण का नाम ले रहे हैं, और उनका जो विरोध है उसी को मुंह में रखे चलेगा। ऐसे लोग बहुत से लोग मैंने देखे जो मुझसे आके कहते हैं कि माँ हम तो जिंदगी भर विठल जी की वारी करते रहे, हर बार वहां पैर दे जाते रहे और एक एक महीना हमने मेहनत करी। बहुत से पढ़े लिखे लोग ऐसा कार्य, लेकिन हमें तो परमात्मा मिले। एक मुसलमान साहब थे जो कि बहुत परमात्मा को पूछते थे, अंत में वो हिंदू हो गए। उनका कि परमात्मा मुसलमान होने से तो मिलता नहीं, चलो हिंदू होकर मिल जाते थे, तो वो हिंदू हो गए। हिंदू होकर के वो इसी तरह से विठ्ठल विठ्ठल करते जाते थे, तो उन्होंने कहा कि पहले तो नमाज पढ़ पढ़ के मेरे घुटने छिल गए थे, फिर वारी कर करके मेरे तलवे सच, और ये सब होते हुए मैंने ये देखा कि परमात्मा तो मिला है। जो विठ्ठल के सामने लोग खड़े हैं वो भी परमात्मा के पास नहीं, और जो लोग वहां जाते हैं वो भी परमात्मा के पास। हम लोग इसी प्रकार हर समय कभी कोई अखंड पाठ कर रहे हैं, कभी कोई परमात्मा को याद कर रहे हैं, इस प्रकार हम अपनी भक्ति में परमात्मा को याद करते रहते हैं। उससे एक चीज जरूर है कि परमात्मा की तरफ हमारा चित्त है। रामदेव ने कहा है कि एक लड़का अगर पतंग उड़ा रहा है और पतंग आकाश में जा रही है, उधर सब बच्चे उसके साथ खेल रहे हैं, वो बातें भी कर रहा है, सबसे मजाक कर रहा है, और ये करते वक्त भी उसका चित्त उसी आकाश के ऊपर तनाया हुआ जो उसका पतंग है उसकी ओर। इस प्रकार एक साक्षात्कार मनुष्य का हो जाता है कि उसका पूरा चित्त उसी ओर होता है। लेकिन जो नहीं हुआ, जिसे साक्षात्कार नहीं पाया, उसके लिए उचित था कि वो परमात्मा को याद करे। लेकिन यह सब करने से भी अगर परमात्मा को याद किया और परमात्मा ही नहीं मिले, जैसे आपने कहा कि या आकुल व्याकुल लोग ढूंढ रहे हैं परमात्मा को और उनको अगर परमात्मा नहीं मिले, तो जरूरी है कि मनुष्य कहेगा कि हाँ परमात्मा नाम की कोई चीज है। लेकिन क्योंकि हमें उसका अनुभव नहीं हुआ, रचिति नहीं हुई, इसलिए उस चीज को पूरी तरह से मना करना मेरे ख्याल से अशास्त्रीय है। उसको बगैर जाने बगैर उसकी प्रचिति पाए बगैर उसको कह देना कि वो नहीं है कोई सी भी चीज, मेरे ख्याल से एक तरह का इसको पलायन हुआ है, एस्केपिज्म। परमात्मा है चाहे आप उसे माने या ना माने। मैंने आपको बताया था कि ये फूल इसको कौन बनाता है, इन फूलों से फल कौन बनाता है, हमें अपने माँ बाप जैसे कौन बनाता है, कौन हमारे अंदर हमारे हृदय को चलाता है। हमारे अंदर अनेक ऐसे व्यवहार है जो मेडिकल साइंस कभी भी समझा नहीं सकती कि कैसे। इसलिए मनुष्य भक्ति पर उतरता है और परमात्मा को याद करता है। पिंगला नाड़ी पर जब हम आते हैं तो वहां पर मनुष्य ने यह सोचा कि परमात्मा ने जो सृष्टि रची है, इस सृष्टि में जो पांच पंचमहाभूत है, जो एलिमेंट्स है, उसके बारे में जानना चाहिए, उन पर प्रभुत्व पाया जाए। तो उन्हें अज्ञाति वगैरह शुरू कर दिया, वेद वगैरह रचे गए, पर वेद में भी बिल्कुल शुरू में लिखा है कि अगर वेद से अगर विद नहीं हुआ, अगर उसकी प्रचिति नहीं आई, तो सारा वेद परायण लिखा। इस भारतवर्ष की एक महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है। कोई कितना भी बड़ा शास्त्री हो, पंडित हो, वेद व्यास हो, कुछ हो, लोग उसके सामने हाथ नहीं छोड़। पर अगर कोई संत फकीर हो, हाथ में झोली लिए भी हो और संत हो, माना हुआ संत हो, तो लोग उसके सामने झुक जाते हैं, फिर वो राजा हो चाहे वो कुछ हो। ये अपने देश की बड़ी महिमा, ऐसे आपको कहीं भी नहीं दिखाई, ये इसी देश में होता है, क्योंकि इस देश की अपनी एक बड़ी विशेष पुण्या है। यहाँ बड़े बड़े पुण्यात्मा, धर्मात्मा, संत साधु। हमारी दृष्टि जो बाहर की ओर लग गई है, इससे सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है कि अब सबकी दृष्टि अंतर्मुख कैसे करें, और सबसे पहले कि ये लोग जाने कि इसी देश में, इसी महान देश में ही ये सारा ज्ञान बसा हुआ। अब जो भी मैं आपसे बता रही हूँ बातें, इसको आप इस तरह से देखें जैसे एक साइंटिस्ट के सामने कोई हाइपोथेसिस रखा है। अगर आप उसको उस दृष्टि से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो मैं बातें कह रही हूँ वो आपको पहले देख लेनी चाहिए, जान लेनी चाहिए, फिर प्रचिति आने के बाद में उसको आपको जांचना चाहिए कि ये बात सत्य है या नहीं, परमात्मा है या नहीं। लेकिन पहले धारणा तो करनी पड़ती है, कि धारणा तो करनी पड़ती है कि ऐसी ऐसी बातें हैं, इसे सुना चाहिए। उसी बात पर अगर आप उखड़े हुए हैं तो फिर आगे बढ़ ही नहीं सकते। पहले आप इसे धारिए,
जो मैं बात कह रही हूँ उसको आप समझने का प्रयत्न करें। मैंने उस दिन आपसे इन तीनों नाड़ियों के बारे में बताया हुआ था संक्षिप्त में, आज मैं आपसे इनके अलग अलग चक्रों के बारे में आपसे बताना चाहती हूँ। आपके अंदर सात चक्र मुख्य है, ये नहीं कि सात ही चक्र, सात मुख्य चक्र माने जाते हैं। ये सब ज्ञान हमारे देश का मूल का ज्ञान है, ये आपको किताबों में नहीं मिलेगा, ये बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इसका पता लगाया, कुछ कुछ इस पर किताबें भी हैं लेकिन बड़ी सटीक तौर की हैं, और दूसरा ये भी है कि उपलब्ध भी नहीं। ये सात चक्र हमारे अंदर ऐसे बनाए हुए हैं बढ़िया तरीके से कि जैसे कि एक के बाद एक हमारी सीढ़ी हो, ये सीढ़ियाँ हमारे उत्क्रांति में बनाई हैं। जब से हम कार्बन थे तब से लेकर के धीरे धीरे जैसे हम उठने लग जाए, वैसे वैसे हरेक उत्क्रांति का जो एक एक टप्पा हमने हासिल किया उसके अनुसार ये जैसे कि एक एक माइलस्टोन बनाया गया। सबसे पहले कार्बन का जो हमारे अंदर प्रादुर्भाव हुआ वो है पहला चक्र, जिसे कि मूलाधार चक्र है। इस चक्र के बारे में भी बहुत से लोगों को बहुत गलत लगे। कुंडलिनी के बारे में तो जिसे देखिए वही लिखने लग जाता है। मैंने ऐसी भी किताबें पढ़ी हैं कि जिसको पढ़ के आदमी कहेगा कुंडलिनी के पास जाने की जरूरत नहीं, एक साहब ने लिखा है कि उसको कुंडलिनी जागरण हो गया उसके अंदर बिजली चमकने लगी, किसी ने लिखा कि मेरे अंदर छाले आ गए, किसी ने कहा मैं मेंढक जैसे घूमने लगी। हिंदी में नहीं अंग्रेजी में भी ऐसी किताबें पहुँच चुकी हैं। वास्तविक कुंडलिनी आपकी माँ है, हर एक इंसान की ये माँ है, अपनी एक एक व्यक्तिगत माँ है, और ये माँ आपको आपका दूसरा जन्म है। ये जो माँ है ये माँ क्या आपको कोई तकलीफ देगी? जब आपका जन्म हुआ था तो आपकी माँ ने आपको तकलीफ दी या सब तकलीफ खुद उठाई? फिर ये जो माँ जो विशेष एक दैवी माँ है वो क्या आपको तकलीफ देगी या आपको परेशान? बुद्धि से भी काम लेना चाहिए। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं या तो वो इस काबिल नहीं है कि कुंडलिनी पर कोई भी हाथ चलाए, हो सकता है वो धर्मपरायण हो, अधर्मी हो, उनके चरित्र अच्छे न हो, वो रुपया पैसा बनाते हो, लोगों को ठगते हो, हर तरह की उनकी गड़बड़ियां हो सकता है कि उनको इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं, हो सकता है कि उनपे किसी ने कुछ भूत प्रेत विद्या करके उनको भस्मसात कर दिया, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कुंडलिनी जागरण से आज तक हजारों लोगों का कुंडली जागरण हो गया है सहयोग से, लेकिन हमने कहीं नहीं देखा कि लोगों में ये परेशानी या तकलीफ। कुंडलिनी खुद सूझबूझ रखती है, पूरी तरह की सूझबूझ कुंडलिनी के अंदर है, और जैसे कोई एक टेप रिकॉर्ड नहीं होता उसी प्रकार इस साढ़े तीन वलय में इसने आपका पूरा इतिहास देखा, जब से आप कार्बन थे तब से आज तक का पूरा इतिहास। ये जानती है कि आपने क्या क्या गलतियां की, आप कौन से गलत रास्ते पर गए, आपने क्या क्या अपने साथ दुर्व्यवहार किया है, दूसरों के साथ दुर्व्यवहार किया है, क्या क्या आपने ऐसे काम किए हैं जो परमेश्वर के मार्ग में एक तरह से रुकावटें हो सकती, बाधित हो सकती, वो सब कुछ हो जाता है। उसके पास इसका हिसाब किताब पूरा है, लेकिन वो आपकी माँ है। माँ ये नहीं सोचती कि मेरा बेटा कितना दोष है, वो ये सोचती किस तरह से इस बेटे को मैं जो है तो उसका जो धन है उसे दे, किस तरह से मैं बचाऊँ। माँ का ये नहीं विचारा था, समझ लीजिए किसी का बच्चा डूब रहा हो तो माँ ये नहीं सोचती कि इसने मेरे साथ क्या क्या दुष्टता की, इतना सता, वो सोचती जो भी हो सब माँ इसका सुखद बच्चा है। इसी प्रकार ये माँ आपकी यही सोचती है कि आपको किसी तरह से बचा, लेकिन इस माँ के लिए आपका जो बाल्यावस्था में पाया गया हुआ अबोधिता का धर्म है, जिसे हम लोग इनसेंस कहते हैं, वो वहां पर नीचे स्थित है जहाँ पर कि इसे मूलाधार चक्र कहते हैं। ये जो कुंडलिनी ऊपर है और मूलाधार चक्र नीचे में है, कुंडलिनी स्वयं मूलाधार है, इसमें मूलाधार जो है वो है कि जिसे कहते हैं कि मूल का आधार, अगर मूल कुंडलिनी है तो उसका आधार माने उसका ग्रह उसका घर जो है वो आपकी ये त्रिकोणाकार अस्थि है, और उसके नीचे गणेश तत्व जो बसा हुआ है वो आपके अंदर बसी हुई अबोधिता। आजकल तो चालाकी करना, होशियारी दिखाना, बदतमीजी करना, या ऐसा कहें कि अपने चरित्र के साथ हर समय विडंबना, ये एक तरह का लोगों का बड़ा शौक हो गया।
लोग सोचते हैं कि इसमें उन्होंने बहुत कुछ कमाया, अपनी पवित्रता के साथ छलना करना, अपने साथ के साथ हमेशा कोई ना कोई उपाधि लगा देना, इस पर हमारा बड़ा विचार चलता है कि किस तरह से कैसे क्या करेंगे। ये चक्र जो है हमारे अंदर बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि इस देश में ये चक्र बहुत बलवान है, क्योंकि कुछ भी हो इस देश में पवित्रता का अर्थ लोगों को मालूम। लोग गलत काम करते हैं लेकिन वो जानते हैं कि गलत है, लेकिन परदेश मैंने देखा कि वो गलत काम करते हैं, इस तरह से विचित्र बातें करते हैं कि समझ भी नहीं आता कि ये इंसान है या जानवर है। और वो ये सोचते हैं कि उन्होंने बड़ी कमाई कर ली, वो तो एकदम फ्रीडम पे आ गए, उन्होंने बहुत कुछ पा लिया, कि इस तरह के गंदे काम हो गए। श्री गणेश विशेष करके जो बनाए गए हैं उनका रूप ऐसा है कि उनके सर पे हाथी का सर। वजह यह कि एक हाथी एक पशु है और पशु कभी भी अहंकार एकत्रित नहीं करता, इसीलिए उसके अंदर अहम की भावना नहीं, वो चिर का बालक है। और गणेश जी चिर के बालक है, लेकिन उनके अंदर जो आयुध है और जो विशेष तरह की उनके पास में व्यवस्थाएं हैं, उन सब व्यवस्थाओं से वो मनुष्य के अंदर जो पेल्विक प्लेक्सस है उसको संभालते हैं। पर ये इतने शक्तिशाली है कि अगर आप किसी भी तरह से कुंडलिनी पर आघात करने का प्रयत्न, या जो आदमी धर्म रहित है जिसमें चरित्रहीनता है, ऐसा आदमी कोशिश करे कि कुंडलिनी को चढ़ाए, वो इस कदर नाराज हो जाते हैं कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे नीचे बैठे हो, लेकिन इसके साथ में ईरा रानी ऊपर जुड़ी हुई है, उस ईरा रानी पर उनका क्रोध जब चढ़ता है तो आदमी के यहाँ से लेकर के यहाँ तक सारे ब्लिस्टर्स भी आ सकते हैं। ऐसा आदमी गर्मी से तड़प सकता है, उसको तकलीफ हो सकती है। ये गणेश का तत्व जो है जितना सुखदायी है उतना ही क्षोभकारी, अत्यंत क्रोधवान। इस भारतवर्ष में गणेश आठ अष्टविनायक आप जानते हैं कि जागृत पृथ्वी के तत्व से मिलते हैं। अब हम लोग मानते थे हैं कि सब ये वैष्णो देवी वहां जाना चाहिए, इस मंदिर में जाना है, उस मंदिर में जाना, लेकिन ये जागृत तत्व क्या है? क्या हम जानते हैं ये जागृत तत्व क्या है? क्या ऐसी कोई सच्ची बात है कि वास्तविक कोई ऐसे जागृत तत्व का कोई स्थान है? ऐसा स्थान है, क्योंकि पृथ्वी तत्व जो है ये स्वयं साक्षात जागृत है। आपको आश्चर्य होगा, मैं एक छोटी सी जगह मुसलवाड़ी में गई थी, वहां पर लोगों ने मुझे बताया कि ये जागृत स्थान है और वहां पर कोई भी दीवार नहीं बना सके। एक अंग्रेज वहां लिख गए कि इस अजीब सी जगह है, यहाँ पर कोई आप दीवार नहीं बना सकते, कोई बंद नहीं बना सकते, तो बंद को ऐसे सीधे लेने की जगह से गोल घुमा दिए और फिर इस तरह से। और पता यह हुआ कि ये जगह एक फकीर ने आकर बताया कि ये जगह माती ही से छोड़ दीजिए। जब हम जाके हम लोगों ने देखा तो उसके अंदर से चैतन्य की लहरियां ठंडी ठंडी लहर से चल रही, साक्षात सारा संसार। लेकिन ये सिर्फ एक फकीर या कोई संत या साधु या सहयोगी बता सकता है, जिसको इसकी अनुभूति नहीं है वो नहीं बता सकता कि ये चीज जागृत है या ये झूठ है, या आदमी सच है या झूठ। इसके लिए आपको वो ऊंची संवेदना जिसे कि हम लोग सामूहिक संवेदना कहते हैं उसमें जागृत होना पड़ता है। फिर मैं कहूंगी कि आपको जागृत होना पड़ता है, सिर्फ लेक्चर बाजी से नहीं, आपको होना। जब तक आप इसमें प्राप्त न होंगे, जब आपके अंदर इसकी प्रचीति नहीं आएगी, जब तक यह आपको विद नहीं होगा, तब तक आप में और उन साक्षात्कारियों में हमेशा अंतर रहते हैं। इस चक्र के विशेषता यह है कि जब कुंडलिनी का जागरण होता है, जैसे आप मेरे और ऐसे हाथ करके इस वक्त बैठे तो अच्छा रहेगा, भाषण करते ही काम हो सकता है, और पैर से जूते उतार लीजिए। आप जिस वक्त मेरे और इस तरह से हाथ करके बैठे हुए हैं, तब आपके ये जो पांच यहाँ पर उंगलियों में ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एंड्स हैं, ये छह और ये सात, इस प्रकार सात चक्र लेफ्ट साइड में और सात चक्र राइट साइड में। अब ये जो सात चक्र हमारे लेफ्ट राइट में है, जैसे मैंने बताया था, इस तरह से मिल जाते हैं और सुषुम्ना नाड़ी ऐसी बीच में तैयार हो जाती है, मैंने आपसे पिछले लेक्चर में बताया था। अब जब आप मेरे और हाथ करके बैठे हैं तो धीरे 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 इसमें से चैतन्य बहना शुरू, जब चैतन्य बहना शुरू हो गया तो वो जा करके वहां पर श्री गणेश को खबर देता है,
कि अब कोई अधिकारी शामिल करें। ये अधिकार आपको स्कूलों में, कॉलेजेस में, या किसी थियोसॉफिकल सोसाइटी में, या थियोलॉजी में, या पठनादि से किसी से भी नहीं मिलता। ये अधिकार जो है, ये साक्षात्कार मनुष्य को ही अधिकार। जब ऐसा व्यक्ति जो जानकार है उसके सामने आप इस प्रकार हाथ फैलाते हैं, तो गणेश जी को पहले इसका न्योता मिलता है कि आपको नलिनी से अब कहें कि आपको निमंत्रण है और आप चाहें। गणेश जी के बगैर ये काम नहीं हो सकता। अगर किसी डॉक्टर से कहा जाए कि गणेश जी जो है ये आपको प्रोस्टेट ग्लैंड को देखते हैं या संवारते हैं, तो कहेंगे क्या बात करें माता जी, गणेश जी का और मेडिकल का क्या है। मेडिकल साइंस जो है ये तो ऊपर में है, लेकिन उसके जन्मदर्शी गणेश बैठे तो एक मिनट अपने बुद्धि से ये पूछें कि अगर इससे हमारे प्रश्न अगर किसी तरह से सुलझ सकते हैं, तो क्यों नहीं इस चीज को हम समझें कि श्री गणेश क्या है और उनका हमारे अंदर जागरूक होना कितना जरूरी है। एक महाशय थे, वो हमारे पास आए और कहने लगे कि माँ मुझे प्रोस्टेट की तकलीफ हो गई है, डॉक्टर कहते ऑपरेशन को। वो बड़े सहयोगी थे दूसरे गणेश का। मैंने कहा आप इतने बड़े गणेश भक्त हैं, आपको कैसे प्रोस्टेट, मेरी समझ में नहीं आता, क्या गणेश आपसे नाराज हो गए। कहले माँ पता नहीं, मैं तो बड़ी गणेश की भक्ति करता हूँ। मैंने कहा अच्छा, लो भाई चना खाओ, आज हमारा प्रसाद चना है, आप चना खाओ। तो इधर उधर देखने लगे। मैंने कहा आनाकानी क्यों कर रहा। कहले आज संकष्टि है और संकष्टि में उपवास करता हूँ। मैंने कहा ले यही तो वजह, जिस दिन गणेश जी का जन्म हुआ उस दिन आप सुतक रख रहे। ये किसने आपसे बताया कि जिस दिन जन्म हो उस दिन आप उपवास करें। आप धर्म में कितने दोष है देख लीजिए। बहुत से लोग कहते हैं कि धर्म हम इतना करते हैं, हम इतने धार्मिक हैं माँ, तो भी हम बीमार हैं। अब देखिए छोटा सा दोष देखिए कि जब राम का जन्म होता है तब उपवास करें, कृष्ण का जन्म होगा तब उपवास करेंगे, और नरक चतुर्दशी जिस दिन नरक का द्वार खुलता है उस दिन बैठ कर सवेरे खाना खाए। सब उल्टी बात, बिल्कुल उल्टी बात। ये पता नहीं किसने सिखा, जिस दिन आपके घर में बेटा पैदा होगा उस दिन आप क्या उपवास करेंगे, जिस दिन दत्तात्रेय पैदा हुए उस दिन उपवास। कोई भी देख लीजिए जिसका भी जन्म हुआ उस दिन उपवास करते, उस दिन उपवास करने की क्या जरूरत है मेरी समझ नहीं आती। दूसरा ये कि परमात्मा के नाम पर क्यों उपवास करते, उसने कब कहा था कि आप उपवास करें, आपको करना हो आप करिए, आप अपने शौकिया आपको उपवास करना करिए, क्या इस देश में तो ऐसे ही लोग उपवास में रहते हैं। लेकिन धर्म में हम इतनी गलतियां करते हैं और बिल्कुल ना समझी से जिसने जैसा कर दिया, स्त्री आचार और ब्राह्मणाचार की वजह से हमारे धर्म में भी इतने दोष आए। वही हाल मुसलमानों का है, वही हाल ईसाइयों का है, वही हाल सिखों का है, सबका एक है कि अपने बुद्धि से उसको हम समझते नहीं है कि किस वक्त क्या करना चाहिए। अब इनसे मैंने कहा कि आप खाइए, आपको विश्वास नहीं होगा। उन्होंने वो खाया, मैंने कहा आप छोड़िए, आज से आप ये प्रॉमिस करिए कि संगष्टि के दिन आप मोदक बनाकर खाएं, क्योंकि उनको मोदक दिया है इसलिए आप मोदक बनाकर। तो कहा अच्छा माँ, मैं तो आपको पूरा प्रॉमिस देता हूँ कि मैं मोदक खाऊँ। आप आश्चर्य करेंगे कि उनका प्रोस्टेट पूना वो पहुंचे और वो चिट्ठी भेजी कि माँ मेरा प्रोस्टेट गया, उसकी तकलीफ ही गया। इसी प्रकार धर्म में हम अनेक 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 गलतियां करते हैं, और इसीलिए जब हम कहते हैं कि हमने धर्म धारण किया, हम ये करते हैं वो करते हैं, फिर माँ हमें क्यों नहीं इसका और मैं आपको आप कोई दोष बन दीजिए। दोष है जिसने आपको समझाया और बताया, जैसे कि लोग बताते हैं कि जब कुंडलिनी जागरण होता है तो बड़ी गर्मी होती है और ऐसा होता है वैसा है, सब झूठ है, एकदम झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं। इस बात पे आप बिल्कुल भी विश्वास रखें, ये लोग सब पैसा बनाने वाले आपको डरा डरा करके और ऐसा दिखाते हैं कि ये बड़े कहीं के पहुंचे हुए लोग हैं, और इस तरह से आपको गलत रास्ते पर डाल देते हैं और आप फिर ये पूछने लग जाते हैं कि भाई हमारा कुंडलिनी जागरण हुआ उससे तो हमारी हालत ही खराब हो गई, हम तो पागल खाने पहुंच गए। होना ही क्योंकि वो कुंडलिनी का जागरण नहीं, वो आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की ओवर एक्टिविटी हो जाती है जिससे आप पागल हो सकते हैं। अब श्री गणेश के बाद मैंने आपसे बताया था कि ये जो चक्र है जिसे कि हम स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं, इसके बारे में आपसे मैंने पहले बताया हुआ, उससे ऊपर में जो चक्र है वास्तविक ये चक्र है, यही दूसरा चक्र है जिसे नाभि चक्र, क्योंकि इसी चक्र से स्वादिष्ठान चक्र बाहर निकल करके कमल जैसा निकलता है और चारों तरफ घूम घूम करके, और ये जो बीच में जो जगह बनी हुई है जिसे कि भवसागर कहते हैं, अपने पेट की जो जगह है जिसे विश्राम कहते हैं, इसके पूरी इसको वो जितने भी उसमें इंद्रिय हैं,
जितने भी उसमें ऑर्गन्स हैं सबको वो शक्ति देते हैं। उसके बारे में आपसे मैंने पहले बताया था कि डायबिटीज आदि बीमारियां कैसी होती हैं, लेकिन आज मैं उससे जो उसके जड़ में जो चक्र है जिसे कि नाभि चक्र कहते हैं उसके बारे में था। नाभि चक्र जो है ये विष्णु का चक्र, नारायण का चक्र। अब कोई कहेगा कि माँ आप तो सब हिंदू धर्म में क्या, लेकिन और भी लोग बहुत सारे सब इसी से निगरित हैं। ईसा मसीह ने भी कहा है कि दोज हुआ नॉट अगेंस्ट मी आर विद मी, पर ईसाई लोग ये जाकर पता नहीं लगा रहे कि और वो कौन है। उन्होंने तो बना लिया कि ईसा के सिवा और कोई नहीं, इस्लाम ने बना लिया कि मोहम्मद के सिवा और कोई नहीं। इस तरह से उन्होंने सबको एक एक छांट छांट के अलग कर दिया, जिससे जैसे कि एक आदमी लटका हुआ था पड़ा हुआ था, सबकी रिश्तेदारी आपस में, सिर्फ हम ही लोग उनके नाम ले लेकर के झगड़ा। अब इस चक्र के आसपास आप देखिए कि जो ये पेट का हिस्सा है इसमें 10 गुण के तत्व है। इसमें से आप सोच सकते हैं कि शुरू से आदिनाथ से लेकर के अनेक गुरु है, जैसे सॉक्रेटिस है, लॉक्स है, ये सब इसी में आते हैं, मोसेस है, अब्राहम, और अपने देश में राजा जनक, नानक, मोहम्मद शाह और जोरास्टर, और अभी आखिरी वक्त जो हुए हैं वो है श्री साईनाथ शिर्डी जी। ये सब इनके अवतरण 10 मुख्य अवतरण हुए। वैसे तो अनेक गुरु हैं संसार में, लेकिन 10 मुख्य अवतरण। अब केवल गुरु को मान लिया कि गुरु को मान, अब देखिए गुरु को मान लेना भी एक बड़ी गलतफहमी की बात है। गुरु वही जो साहिब से मिला, जो साहिब से मिला, जो परमात्मा से मिला वही गुरु। लेकिन हमारे यहाँ तो हर तरह के गुरु निकल आए हैं, और आप जानते हैं कि हम इतने विकसित हो गए हैं, इतने भ्रांतमय हो गए हैं कि कोई भी आदमी जेल से छूट करके और बैठ जाए गेरुआ वस्त्र पहन के अगर उसके चरण छू। पहली तो बात यह है कि गेरुआ वस्त्र से हमारा क्या संबंध, हम तो गृहस्थ के लोग, गृहस्थियों का गेरुआ वस्त्र से कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं अगर आपने पढ़ा हो कि वाल्मीकि के रामायण में सीता जी ने पूरा चैप्टर इन सन्यासियों के बारे में कहा है कि जो सन्यासी है उनको शहर में तो आना ही नहीं चाहिए, किसी गांव में नहीं आना चाहिए। उसकी बहुत सारी मर्यादाएं बताएं, उसमें से ये कहा कि गांव के बाहर कोई झोपड़ी में रहना चाहिए, और किसी भी गृहस्थ की देवड़ी लानी ही नहीं चाहिए। हाँ, जो गृहस्थ है वो गृहस्थ, लेकिन जिसने संन्यास ले लिया उसको ये सब करने का मना है। लेकिन हमारे यहाँ तो देखिए कि हम लोग गृहस्थी के लोग यज्ञ करने लगे हुए, अपने बाल बच्चों को संभालते, कायदे से रहते, और इन लोगों का पालन पोषण हमारे खोपड़े में। एक तो हमारे बाल बच्चे ही पढ़ते नहीं, ऊपर से इन काशाय वस्त्र वालों को संभालते बैठे नहीं सुबह से शाम। एक सीधी बात यह है कि कोई भी संन्यास लेने से परमात्मा के पास नहीं जाता, ये तो ऊपरी चीज। संन्यास अंदर का भाव होता है, बाहर का नहीं होता। आप जानते हैं कि राजा जनक को विदेही कहा करते थे और उनकी लड़की को वैदेही, क्योंकि विदेही से पता, वो स्वयं राजा थे, राजा जैसे रहते थे, राजा जैसे आभूषण करते थे, और उनको लोग बड़े बड़े साधु संत दृष्टा उनके सामने नतमस्तक रहते थे, क्योंकि उनकी दशा ये, क्योंकि वो स्वयं साक्षात दत्तात्रेय के अवतरण, गुरु के अवतरण, आदि गुरु के अवतरण थे। लेकिन आजकल हमारे देश में इसकी संवेदना जाती है, लोग भ्रांत हो गए, बहुत ही भ्रांत हो गए, और ऊपरी तरह से कोई ऊपर से दिखाने वाला कोई तमाशा वाला आदमी पहुंच जाए तो लोग उसके चरण में पहले जाए, कोई ना कोई तमाशा वो करना जानता है। किसी भी तमाशे के पीछे में भागना हम लोगों में एक स्वभाव का एक बात होती है कि कोई तमाशखोर पहुंच जाए तो उसके पीछे हम भागते हैं, फिर हजारों लोग उसके चरण में जाएंगे, अरे भाई, और फिर झूठी झूठी बातें उसके बारे में फैलाना कि उसने इस आदमी को ठीक कर दिया, वो ठीक हो गया, उनको शांति मिल गई। इस तरह की गलत फहमियां बहुत से लोग कहते हैं कि हम गुरु के पास गए थे हमको शांति मिली। मैंने कहा कैसी शांति मिली आपको, अशांत शांति मिली हुई, आप फिर नहीं सकते, आपको अशांति तो है ही, लेकिन वो अशांति जो है कि एकदम जम के पत्थर हो गई, अब आप फिर नहीं सकते, ऐसी ही व्यवस्था हो गई। क्योंकि ये लोग जो धंधे करते हैं, जिस तरह से ये काम करते हैं, ये आप जानते हैं, हम तो काफी उम्र वाले हैं और हम सब जानते थे इसके बारे में। अब तो आप लोग सब यंगर जनरेशन के लोग हैं, शायद आपने जाना ही नहीं होगा कि भानामती और श्मशान विद्या, प्रेत विद्या, तांत्रिक विद्या अपने देश में बहुत है।
इस समय कुछ मुझे लगता है कि दिल्ली के लोगों का मन तांत्रिकों से कुछ हटा हो, नहीं तो जहां जिस गली में जाइए वहां एक तांत्रिक बैठा हुआ था आपके राजस्थान। इस तांत्रिकों का शौक आपको भ्रांत कर दिया और इसमें आप फंस गए। ऐसी छोटी छोटी चीजों के पीछे में भागने वाले लोग परमात्मा को कैसे पाए? अगर मानना है तो कोई परम चीज मानना चाहिए और परम में ही सब कुछ हो जाता, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा है कि योग क्षेम, पहले जब योग होगा तो तुम्हारा पूरी तरह से क्षेम। कोई महाशय कहता है कि माँ मेरी तंदुरुस्ती चाहिए, मेरे पास बहुत से पहलवान आते हैं कहते हैं माँ हमें तो कोई शांति नहीं चाहिए। कोई आदमी कहता है माँ मेरे पास पैसा नहीं, दूसरा देश आदमी आता है गाँव में इससे तो दुखी कोई दुनिया में है। इसका मतलब यह है कि सब संसार दुखी और इस दुखी संसार में आप अगर किसी को यह सोचें कि दूसरे के पास कोई चीज है तो उससे वो सुखी है, ये आपको गलत है। आप इस पर विश्वास करें कि जिस मनुष्य को आप सुखी समझते हो महा दुखी हो सकता है, लेकिन आपको पता है इसलिए जिस चीज को आप मान रहे हैं उससे आपको सुख नहीं होने वाला। आप जिस चीज को मानना है उसे मांगे और वो है परम, और वो परम तत्व आपके अंदर है जिसको आपको पाना है। उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी से कुछ देने की जरूरत नहीं, कुछ उसमें आडंबर नहीं है। बहुत सीधी सरल चीज है, जैसे कि एक बीज को आप अंकुर ला सकते हैं अगर माँ के उदर में डाल दें, उसी प्रकार ये कार्य। लेकिन मनुष्य के लिए सीधा खाना सादा होना भी कठिन होगा, क्योंकि वो सीधे इधर से खाना खाना आप जानता ही नहीं, इधर से हाथ फिराते हुए खाना खाते। कोई काम सीधे तरीके से करना उसके बुद्धि के परे हो गया, उसकी बुद्धि इतनी जटिल हो गई, सोच सोच करके उसका दिमाग खराब। इस गुरु के कारण कैंसर जैसी बीमारी होती, गलत गुरु के सामने आप भी पेशाया, इसीलिए सबने कहा कि अपनी पेशानी सबके सामने न चुके। यहाँ तक कि मंदिरों में जब आप जाते हैं कोई भी आदमी आपको अगर टीका लगाने के लिए आता है, हर एक आदमी से आप अपने माथे पर टीका लगाते हैं बहुत बड़ा खुश है। किसी का क्या अधिकार है कि आपके माथे पर चुने? आप जानते हैं कि आपने तो कहा कि 9-10 साल विनन को लागे, मैं कहती हूँ कि यह तो हजारों वर्षों से आपको बना बना करके आज परमात्मा ने मनुष्य बनाया हुआ है, और उसको आप किसी के सामने भी सर झुका देती हैं। किसी के सामने भी सर झुकाने को हमेशा लोगों ने मना किया, सिर्फ साक्षात्कार जो आदमी वही जानता है कि किसके सामने सर झुकाना चाहिए। हम तो कहते हैं कि हमारे भी पैर छूने की आपको कोई जरूरत है, और न छुए तो अच्छा है। जिस सब जब तक आप पार नहीं हो, जब तक आपके आत्म चैतन्य नहीं आया, हम आपके लिए वैसे ही जैसे दूसरे हैं। जैसे कि आप मंदिरों में जाते वैसे ही हम यहाँ बैठे हुए, हमसे आपको छूने से क्या है? चरणों में आने पर तभी फायदा हो सकता है अगर आपके अंदर वो कनेक्शन शुरू हो गया। अगर हम इसके सामने बात कर रहे हैं और ये कनेक्शन ही नहीं है तो इस बात करने से फायदा? इसलिए किसी को भी पैर पे जाना और पैर पे लेना दोनों ही मैं दोष में समझती हूँ, क्योंकि लोग अब बहुत जबरदस्ती करेंगे। जब किसी के हम पैर न छूए तो उनको तो लगता है माने जैसे कुछ उनको शाप ही दे। मैं ये कहती हूँ बेटी तुम क्यों छू, तुमको मैंने क्या दिया, किस लिए मेरे पैर छू? जब तक तुमको कोई भी मैंने आत्मा का परिचय दिया नहीं तब तक आप मेरे पैर क्यों छू रहे हैं? मैं भी कोई ढोंगी हो सकता, मैं भी कोई गलत हो सकता, क्या वजह है कि आप मेरे पैर छू रहे हैं? आदत है, और इस आदत की वजह से हमारा एकादश जो है तो माथे पर हमारा बड़ा भारी एक चक्र होता है जिसमें 11 रुद्र बैठे। रुद्र आप जानते हैं कि संहार शक्ति। अगर आप किसी और को इस तरह से गुरु मान लें तो इस तरफ में आपके रुद्र पकड़ जाते हैं, और जैसे ही पकड़ जाते हैं ऐसे ही कैंसर की बीमारी तो पहुंच। कोई आदमी भी किसी भी आदमी समझे एक पॉलिटिशियन है किसी के सामने बहुत ज्यादा जीतता है वो भी खो सकता है। एक अगर इकोनॉमिक्स वाला आदमी है या बिजनेस वाला आदमी, वो अगर किसी के आगे जरूरत से ज्यादा नतमस्तक रहता है अपने बिजनेस के लिए वो भी। कोई भी आदमी जरूरत से ज्यादा अगर किसी के सामने सर झुका रहा है तो उसको कैंसर की बीमारी हो सकती है। उसके इधर की जो 5 रुद्र में से 5 रुद्र पकड़ सकते हैं। इसलिए सबके सामने नतमस्तक होना मनुष्य से ये बिल्कुल व्यर्थ है। लेकिन किसी से अकड़ना भी वैसी बात है कि मैं ये गुरु हूं, मैं ये भगवान हूं, मैं ये सब कुछ हूं, मैं ये सब करता हूं, मुझे कौन बताने वाला है? ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि तुम ही गुरु और तुम इसको खोजो, दूसरों को खोजने मत, तुम ही हो सकते। ये भी बात है, क्योंकि आप खुद साक्षात्कार ही नहीं है। जब तक एक दीप जला नहीं
तब तक वो अपने आप से जल नहीं सकता, एक जला हुआ दीप ही उसे जला सकता, पर उसमें लेना देना कोई नहीं करता है, उसमें किसी भी तरह का स्वार्थ नहीं होता है, किसी भी तरह का उपकार नहीं होता है। ये तो आपका दीप जला नहीं, और एक दीप जला हुआ उसे छू गया आप जल गए, उसमें किसी भी तरह की ऐसी बात नहीं आती कि जिसमें आपको पूरी तरह से ये कहना है कि आपका कोई व्यक्तित्व न, आप एकदम से पागल जैसे उनके पीछे लगे। अभी ऐसे बहुत से लोग मैंने देखे स्पेन में, 50,000 लोग ऐसे कि जो एक गुरु महाराज को ही है उनके पीछे में इतने नतमस्तक है कि पागल हो। स्पेन की महारानी हमें मिली थी, वो कह रही आपके देश से ऐसे ऐसे आप गुरु घंटा यहाँ भेजते हैं कि उनका क्या करें, वो समझ नहीं आता हमारे यहाँ 50,000 या लोग एकदम पागल हो। इस तरह के न जाने कितने तरह तरह के लोग आपने बाहर भेज दिए, आपको एक्सपोर्ट के लिए और तो कुछ मिला नहीं देश में, कुछ बढ़िया से ऐसे लोगों को बाहर भेज दिया है कि सबने ना कटा दी, और उनके लिए हम अगर कुछ कहें तो लोग कहते हैं कि माँ तो बहुत इंटॉलरेंट है। तो क्या ऐसे लोगों को हम हार पहना, उनकी आरती उतारे और उनको सिंहासन पे बिठा? पहले जमाने में तो दलितों को मारा गया, मार के उनको पूर्णतः हत्या कर दी, लेकिन अब कम से कम उनको कहा तो जाए कि ये दैत्य हैं और राक्षस हैं, उसमें आप लोगों को क्यों इतने परेशानी हो जाती, क्या आप भी उन्हीं के साथ मिले हो? दूसरे लोगों को लूटना, खसोटना, उनसे पैसा लेना, उनको दूसरे मार्ग में डालना, ये कहां का था? और वो भी भारतीय होकर के आपको क्या दिखा? ये एक तरह का अजीब सा छिपा हुआ एग्रेशन, और ये इस तरह से छाया हुआ कि आप आश्चर्यचकित होंगे कि एक साहब वहां आते हैं लंदन, और उन्होंने कहा साहब मेरे लिए अगर आप रोल्स रॉयस दें तो मैं आऊं। अब सब लड़कों ने एक साल भर सिर्फ आलू खाया, पैसा बचाया और उनको रोल्स रॉयस। एक लामा साहब पहुंचे वहां, ये लोग आके मुझे बताते, मुझे बड़ी हैरानी, लामा साहब जो कि बड़े साधु सन्यासी बनते वो वहां पहुंचे, उनका साहब हमें तो मार्बल के फ्लोर की चाहता नहीं, वहां मार्बल बड़ा महंगा मिलता है स्वीडन में, तो स्वीडन के बेचारे लोगों ने भूखे रह करके उनके लिए मार्बल का फ्लोर बनाया कि ये पधारे वहां, और पधारने के बाद ये चीज कि आप उनके सामने जाइए तो 1001 बार उनके सामने आप झुके। मैं आपको इसलिए सब बातें बता रही हूँ कि सब चक्कर में कोई ना कोई आप लोग होते हैं, सवेरे 10 आदमी मिले आए उसमें से 9 इस चक्कर के। वहां हमें समझ नहीं आता हमने तो कोई गलती नहीं करी, मैंने कहा तुम खोजने क्या गए थे? ये जिसने परम की बात की और जिसने परम लिया उसी के चरण में जाना चाहिए और उसी के शरण में बचा, बाकी सब बेकार। इनकी बातें जो हैं, बातों से तो इंसान का दिमाग खराब हो जाता है। आपने सुना होगा बहुत से लोग वेद पे बात करते हैं, वेद वेदाचार्य ये वो। एक महाशय मुंबई में है बड़े भारी वेदाचार्य, हमके पंडित तमके पंडित, उनकी उम्र हमसे छोटी है बड़ी है, लेकिन वो जब बात करते तो ऐसा लगता है कि सठिया जो वक्ते चले जाते हैं, ऐसे वक्ते चले जाते हैं लोग तो उनके पास 5 मिनट खड़ा होना नहीं चाहते। अब उनको समझ नहीं आता कि लोग उनसे भागते क्यों, इस कदर क्रोधी और तपस्वी क्या कहना चाहिए, तापमय इंसान है कि जो भी उसी के पास बैठता है वो कहता बाप रे बाप ये तो एकदम तूफान आता है, और गुस्सा उनको इतना आता है कि अगर कोई उनकी बात किसी समय तो कहते अरे तुम तो ऐसे दुष्ट हो, तुम तो ऐसे खराब हो, और लेकर कमाना छोड़ो। अब बताइए इतने वेदाचार्य और फलाने और ढिकाने होते हुए उनके ये सारा बाहरी रह गया, कुछ उनके हृदय में कुछ नहीं गया, ना उनमें दया ना अनुकंपा ना कुछ नहीं, बस बड़बड़ाते रहते सुबह शाम तक। ऐसे मैंने फ्रांस में बहुत से देखे, वो तो बस में चढ़ते हुए बड़बड़ाते, पूछा क्या ये कह ले बड़े भारी पादरी, मैंने कहा वाह भाई ये पादरियों का ये एक बड़े भारी पादरी थे, इसलिए हम लोग कुछ इनको कहते नहीं, बस में बड़बड़ाते चढ़ते सुबह से शाम तक। ऐसे बहुत मिलते हैं फ्रांस, मेरे ख्याल से वहां इस तरह के प्रकार बहुत हो चुके, लोगों ने बहुत अध्ययन करके और पकड़ लिया। तो इस तरह के गुरुओं के जो कि सिर्फ बातचीत ही बातचीत कर, आपको कहेंगे 50 पारायण करो, दत्तात्रेय का आप पारायण करो, गुरु का आप पारायण करो, 50 पारायण करने के बाद में मिला कर एक महाशय हमारे पास आए, हमसे कह लगे माँ हमने तो 14 वर्ष की तपस्या की। मैंने कहा अच्छा, और उन्होंने सिर्फ पारायण करने को कहा और शिव जी का मंदिर धोता रहा, और अब क्या हुआ खले 1 मिनट में कुंडली जागरण। तो मैंने कहा मैं ये सोचना चाहिए कि पारायण करने से परमात्मा मिलता है, तो अपने देश में कितने लोग हैं जो तो पढ़ भी नहीं सकते, इसका मतलब उनको परमात्मा नहीं मिलेगा, सिर्फ पढ़े लिखों को ही मिलेगा, जो वेदाचार्य उनको मिलेगा, जो वेद पढ़ सकते हैं, संस्कृत जाने वाले कितने लोग, मैं कहती हूँ पुराने शरीफ पढ़ने वाले कितने लोग,
या बाइबल पढ़ने वाले कितने लोग हैं, मतलब जो वो पढ़ते रहे वो काम से गए, ऐसे कैसे हो सकते। जो परमात्मा सबका ही निर्माण करने वाला है, सबको ही प्रेम करने वाला है, वो कैसे काम करेंगे। इसलिए जो गुरु तत्व में खराबी आ जाती है उससे आप लोग सब बच के रहिए। और ये गुरु तत्व हर तरह से आपके अंदर एक हट, एक तरह की सीमा बांध देता है कि ये हम करके दिखाएंगे, उनका 4 दिन का उपवास हम 10 दिन का करके दिखाएंगे। ये सब चीजों से परमात्मा ने मिली, सहज सहज समाधि सहज सहज होना चाहिए। पर जो चीज सहज नहीं है, जिसमें असहज है, वो परमात्मा की चीज हो ही नहीं सकती। एक सीधी बात आप सोचिए कि आप इंसान बने, आपने कौन सी मेहनत करी, आपके सर के बल खड़े हुए कि आपने अपनी दुनिया काटी थी, किस तरह से आप बन गए। आप इंसान अपने आप सहज सरल बने, इसी प्रकार उचित स्थिति में जाने के लिए भी सहज ही भाव होना चाहिए। और जब तक सहज भाव नहीं आता है तब तक आप जो भी ऐसी पटान चीजें करते हैं उससे आपको नुकसान, तकलीफें होंगी, चक्र पकड़ेंगे, आपको परेशानी होगी, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो, पर आप परेशानी होता है। इसलिए मैंने पहले कहा कि सहज भाव से बैठे और कहा कबीर को पा, क्योंकि कबीर सहज भाव, उनका मिलन हो चुका था इसलिए वो मिलन में गाते। अब ये जो आपका जो चक्र है इसमें एक तरफा तो ये हुआ कि जहां आप किसी को भी गुरु मान लें, ऐरा गहरा नाथू खरा जैसे कहते हैं, किसी को भी गुरु मान लें, गलत आदमी को गुरु मान लिया, गलत चीजों में सर चुका था। दूसरे ऐसे होते हैं कि जो किसी को मानते हैं, भगवान को भी नहीं मानते, मैं ही सबका गुरु हूं, उनसे इधर के जो 5 सूत्र है वो पकड़ जाते। इस प्रकार के 2 प्रकृति के आदमी होते हैं। अब जो किसी को नहीं मानते, जो बड़े भारी वेदाभ्यास करने वाले हैं, इनके बारे में अभी मैंने आपको वर्णन करी है कि किस तरह की होती है, और उनकी जो प्रवृत्ति होती है इस कदर घनीभूत तरीके से, घनीभूत तरीके से क्रोधी होती है कि इस आदमी के पास भगवान हो ही सकता है ऐसा कोई भी नहीं विश्वास करता, भगवान इनके पास से गुजर सकते हैं ऐसा भी कोई नहीं विश्वास करता। परमात्मा जो है वो प्रेम का, आनंद का, सौख्य का और अनुकंपा का सार, क्षमा का सार, जिस आदमी में इस कदर तो इस कदर सबके साथ वितृष्णा, वो आदमी कभी भी परमात्मा का आदमी हो जाए। अब इसके बीच में जो विष्णु का तत्व है इसके बारे में मैं जरूर आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि अपने देश में हर एक जगह जाइए तो लोग मुझसे ये कहते हैं माँ हमारे गरीबी का क्या होगा, जैसे कि इन लोगों ने कुछ गरीबी का ठीक ही किया हो, जो मेरे मुझसे कहते हैं कि गरीबी का क्या होगा। वही बात हुई, कृष्ण ने कहा कि योग क्षेम वहां, पहले योग को प्राप्त हो उसके बाद आपका मैं क्षेम। जिस जिस गांव में सहयोग हुआ, जहां जहां हम गए, जिन्होंने योग पाया उनके सब प्रश्न सॉल्व। किस प्रकार? सबसे पहले तो सारी गंदी आदतें छूट जाए, धर्म जागृत, मनुष्य के अंदर की जितनी भी आदतें जिससे मनुष्य जकड़ा हुआ वो सारी ही एक साथ छूट जाए। आप जानते हैं, हम बता रहे थे कि 200 आदमी हमारे साथ परदेश से घूम रहे थे, इन लोगों में से न जाने कितने ड्रग लेते थे, कितने अल्कोहलिक थे, कितने कैसे कैसे थे, हम तो कुछ देखते नहीं। जो आया उसे पहले पार होने के बाद धर्म जागृत हो गया। एक महाशय थे, उनको बहुत शराब पीते थे, कहने लगे, फिर सहयोग में आते ही दूसरे दिन से उनकी शराब छूट गई, एकदम शराब छूट गई। तो उन्होंने कहा कि अच्छा एक बार जर्मनी गए, चले थोड़े देखें कैसा क्या, उनको शराब बहुत पीते ही साथ कहने ऐसी उल्टियां हुई और उसमें से ऐसी गंदी बदबू आने लगी कि हमने कहा ये तो क्या मोलासिस पी रहे हैं कि क्या कॉर्क पी रहे हैं, कि समझ ही नहीं आ रहा था क्या पी रहा है। और उल्टी पे उल्टी, उल्टी पे उल्टी, उससे इतनी घृणा आ गई। हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो वहीं लंदन में बैठे थे, लेकिन आप ही स्वयं धर्म हो जाने की वजह से, क्योंकि आपके अंदर ये 10 गुरु जागृत हो जाते हैं जो साक्षात धर्म, इसकी वजह से अपने आप ही गंदी आदतें छूट गई। फिर उसके बाद गंदी आदतें छूटने के बाद में आपकी दृष्टि वहां जाने लगी कि जिससे आपको लक्ष्मी पाई। जैसे एक महाशय, आपको विश्वास इस बात का भी होना जरा कठिन है लेकिन आपसे बताएं, एक हमारे पहचान के थे, उन्होंने हमें बताया कि माँ जब से मैं सहयोग करने लगे बड़ा चमत्कार है। मैंने कहा क्या हुआ? कहने जिस जमीन पे मैं ऐसे टहलता था उसकी मिट्टी इतनी बढ़िया हो गई कि एक आदमी आकर मुझसे कहने लगा कि भाई किसी फकीर ने आकर हमसे बताया कि यहाँ की मिट्टी थोड़ी सी लेकर के तुम गर्भगृह बनाओ तो पत्थर जैसी हो जाएगी।
तो वो हमारे यहाँ आया और हमसे तो वो बिल्कुल तौल के मिट्टी ले जाता। लेकिन पहले जागृति होनी चाहिए लक्ष्मी तत्व। लक्ष्मी तत्व की जागृति न किए बगैर अगर आप चाहे आपके अंदर लक्ष्मी आएगी तो नहीं, पैसा आ जाएगा, पैसा आ जाएगा। लक्ष्मी जी नहीं, और लक्ष्मी जी कैसी होती, एक हाथ से उनके दान है, एक हाथ से उनका आश्रय है, और हाथ में दो कमल के सुंदर पुष्प है जो कि उनके प्रेम के प्रतीक है। और इतना ही नहीं, पर एक भौरा जिसके अंदर इतने कांटे हैं उसे तक वो अपने अंदर संभाल लेती। ऐसे लक्ष्मीपति आप हो सकते हैं जो समाधान में इतने संतुलन में खड़ी कि कमल पर पे खड़ी रहती।